हेलो, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल का नाम एच बी ऑनलाइन क्लासेस है दोस्तों, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। मैं इसको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, देखिए मात्र 3 मिनट में इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। देखिए 2 अंकी संख्या का वर्ग मात्र 5 सेकेंड में निकालेंगे दोस्तों, लेकिन कैसे अंकों का, जिसका अंतिम अंक जो है 5 है दोस्तों, जिसमें अंतिम में 5 लिखा हो, ऐसे अंकों को मात्र 5 सेकेंड में ही उसका वर्ग स्क्वायर निकाल सकते हैं दोस्तों। ये नया ट्रिक है आप लोगों के लिए, और बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं उनको भी देखिए, साथ में आप मेरा भी वीडियो देख सकते हैं, मैं अभी सिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ अंकों को मैं लिख रहा हूँ, है ना, थोड़ी देर में। हाँ देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक, ये पहला वाला तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 5 5 25, अब निकालना 15। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, पहले 15 × 15 आंसर कैसे निकालेंगे देखिए, ठीक है। इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि क्या है अच्छे समझ में आना चाहिए ना, ठीक। अलग से लिख कर बताऊँगा, आप लोग सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर देखिए पहले आखिरी संख्या का गुणा कर दीजिए, 25 आएगा दोस्तों, 5 5 25। यहाँ पर कितना लिखा है, 1 1 में 1 जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना आ गया आंसर, तो 2 और 1 का गुणा कीजिए, 2 × 1 = 2, ये आपका आ गया आंसर, 225 है दोस्तों इसका, ठीक है। इसी प्रकार 35 का लेते हैं दोस्तों, 35 × 35 दो बार लिखते हैं ना, स्क्वायर यानी क्या होता है, संख्या को दो बार लिखना। 35 35 का निकालेंगे, देखो शुरू और शुरू आखिरी लास्ट अंक संख्या का पहले गुणा कर दीजिए, क्या लिखा है, 5 और 5, 5 5 कितना आ गया 25। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3, ठीक है, 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 सब में 1 1 जोड़ना है बस, 3 और 1 कितना होता है, 4, 4 और 3 जो लिखा है पहले से, 4 और 3 का गुणा कर दीजिए, 4 × 3 = 12, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया इसका, 1225 आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं यहाँ पर आगे 65 का निकाल देते हैं, 65 × 65, 5 5 = 25, 6 में 1 जोड़ दीजिए, 6 और 1 कितना हो गया, 7, 7 और 6 का गुणा करेंगे, 7 × 6 = 42, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 65 का, इसका आ गया 4225, ठीक है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आप किसी भी अंकों का, ये तो 2 अंकों का हो गया, 3 अंकों का देखते हैं। देखिए यहाँ पर 105 105 का करना है, 105 105 का करेंगे, 5 और 5 का गुणा कर दीजिए, 5 5 = 25 हो गया। यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, 10 10 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 11 11, और किसका गुणा करोगे आप, 10 का, तो 11 और 10 का गुणा करने पर 110 आएगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया दोस्तों, 11025। इसी प्रकार आप इसका 205 का निकालते हैं, तो 205 × 205, 5 और 5 का गुणा कर दीजिए, 5 5 = 25 हो गया, 20 और 1 20 में 1 जोड़ दीजिए, 20 और 1 कितना हो गया, 21 21 का गुणा किससे करना है, 20 के साथ, तो 21 × 20 करते हैं, तो 0 का 0, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो इस प्रकार दोस्तों ये इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यह है अपना शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर निकालने का, 5 अंक वाली संख्या का स्क्वायर आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों नया ट्रिक दोस्तों। अब इसके बाद अपन कोई भी संख्या, इसके पहले अपन क्या किए थे, जिसके आखिरी में 5 हो उस संख्या का स्क्वायर निकालना सीख रहे थे। अब यदि आपके सामने कोई भी संख्या आ जाए जिसमें 5 ना हो और जिसमें 2 अंक हो, है ना, तब उसको अपन स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं अभी। स्क्वायर यानी क्या होता है दोस्तों, वर्ग। आप इस ट्रिक का उपयोग जो है पेपर एग्जाम में, SSC रेलवे या आपकी 10वीं 12वीं 11वीं जो भी मल्टीप्लीकेशन में स्क्वायर निकालने का होता है, उसको आप एक झटके में 1 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं, अगर आप इस ट्रिक को सीख गए तो। तो देखते हैं दोस्तों, 2 अंक वाला कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, चलो 23 मैंने ले लिया, इसका 23 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले इस अंकों को आप कैसे जमाएंगे उसको पहले लिख देता हूँ। पहले तो आप यहाँ पर लिख देंगे, इसके इसमें 2 अंक है दोस्तों, 23, तो 2 को यहाँ लिख दीजिए, 3 को यहाँ लिख दीजिए बस, ठीक है। अब एक डिब्बा बना दीजिए इस प्रकार से डिब्बा, उसमें यहाँ पर 2 × 3 और जो यहाँ पर स्क्वायर लगा है भाई, क्या करेंगे, 2 × 3 × 2, ये तीनों को गुणा कर देंगे आपस में, 2 3 2 का, हर सवाल में ऐसे करना है आपको, है ना। यहाँ पर देखिए 3 × 3 = 9 आया, 3 × 2 = 6 × 2 = 12 आया, 2 × 2 = 4, इसका स्क्वायर करना है दोस्तों इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना हुआ, 3 × 3 = 9, इसका स्क्वायर कितना हुआ, 2 × 2 = 4, इसमें 3 × 2 = 6 × 2 = 12, यहाँ पर एक ही संख्या आया तो 9 का 9 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 संख्या आया है तो यहाँ पर 2 का 2 लिखे, 1 हासिल इसके साथ जोड़ दीजिए, तो 1 हासिल यहाँ पर, ये जो 1 बचा है यहाँ पर, इसको इसमें जोड़ेंगे, कितना आ गया, 529 आ गया आंसर दोस्तों,
तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। कुछ और ले लेते हैं, है ना। चलो 32 लेते हैं दोस्तों, 32 दूसरा सवाल है। तो 32 स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे दोस्तों, 3 को लिख दीजिए, 2 को यहाँ लिख दीजिए, एक डिब्बा बना दीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर तीनों का गुना करना है, 3 × 2 × 2, ठीक है। इसका स्क्वायर कीजिए दोस्तों, स्क्वायर तो आपको पता ही है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, ठीक है। यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर 3 × 2 = 6 × 2 = 12, यहाँ पर 4 × 4 एक ही संख्या इसलिए 4 उतार देंगे। यहाँ पर 12 दो संख्या लिखा हुआ है, आखिरी संख्या 2 को यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर 1 को जोड़ दीजिए, 9 एक कितना हो गया 10, यहाँ पर 1024 आपका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। और कोई भी संख्या ले लेते हैं, चलो 45 ले लीजिए। तो 45 को आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, 45 स्क्वायर को, है ना, 4 और 5 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। थोड़ा दूर में लिखते हैं, 4 और 5, एक डिब्बा बना दीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर 4 × 5 × 2 कर देंगे, 5×5 = 25, ठीक है। 4×5 = 20 × 40, 4×16। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 5 का 5 उतार देंगे, यहाँ पर प्लस 2 को जोड़ेंगे, 42 आएगा। देखिए 42 का कितना लिखेंगे, 2, और यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे, 16×4 कितना हो गया 20, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों, नीचे दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपके बैंक SSC रेलवे एग्जाम या 10वीं 9वीं में कहीं पर भी ऐसा स्क्वायर वाला कोई सवाल आता है और आपको नहीं आ रहा है बनाने के लिए, तो आप इसी ट्रिक का उपयोग करके आप इसको फटाक से हल सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा और यदि आप बड़ा संख्या लेंगे तो मैं बड़ा संख्या का भी आपको करा के दिखा सकता हूँ।